खुलेगा पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। यूपी में पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा नेता रामवीर उपाध्याय का हुआ निधन, लंबे समय से थे बीमार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा, पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईओडब्ल्यू ने नोरा फतेही से की पूछताछ, 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। सोनाली फोगाट मौत केस में पीए सुधीर बोले, गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, मैंने ही उसे मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम योगी जनपद को 116 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, साथ ही सीएम योगी की सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट स्थित सभागार का उद्घाटन भी करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सीएमएस स्कूल गोमती नगर ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमएस के 300 शिक्षकों की उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका उत्तर प्रदेश सरकार संचालित कर रही है, वो भी बड़ी संख्या में मेरिट में आ रहे हैं। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें पूरा भरोसा दिलाता हूं, हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने के लिए, उनमें कंपटीशन की भावना पनपाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसे अवसर पर पुनः पूरे प्रदेश के शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को होता है, लेकिन हमारा हमेशा एक दिन पहले होता है, लेकिन एक दिन पहले संडे पड़ रहा है 4 को, तो इसलिए हमने 3 को किया है, क्योंकि हमारा हमेशा एक दो रोज पहले होता है, क्योंकि 5 तारीख को ब्रांच में अलग होगा, वो बहुत ही बृहद स्तर पर सभी ब्रांचेज में होता है, तो हम टीचर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आज 1.5 करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार बांटे जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं उनको दी जा रही हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा सांसद एसटी हसन से मिलने पहुंचे, साथ ही एमपी एसटी हसन के साथ कई सपा विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सपा सांसद ने सीएम से मुलाकात की है। दो विषय बढ़ते जा रहे हैं कि जिस तरह अखिलेश यादव आजमगढ़ गए उनको मिलने, यादव जी को, पूर्व विधायक को, उसके बाद ये लगने लगा कि ये यादव और मुसलमान, जो कभी मुलायम सिंह यादव के समय में माई समीकरण होता था, वो अखिलेश के नेतृत्व में बिखरता नजर आ रहा है। आजम खान के पक्ष में मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक लामबंद हो रहे हैं और उसी का एक ये रूप है कि अब आजम खान के संदर्भ में केवल मुसलमान नेता ही लोगों से मिलने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से भी वो मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है सपा का अंदरूनी मामला है और ये खास करके उस वोट बैंक के बिखराव की शुरुआत है जो मुलायम सिंह के समय एकजुट हुआ करता। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां सभी व्यापारी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही सुप्रीमो ने व्यापारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें 25 तारीख को होने वाले कार्यक्रम का न्योता भी दिया। इस दौरान चौटाला ने संगठन की मजबूत पर विचार विमर्श भी किया। घोटाले की आप फरीदाबाद के एक घोटाले की बात करें, बदकिस्मती हमारी ये है, कुछ लुटेरे वर्ग के लोगों का दाव लग गया, वो आज सत्ता में आ गए
और वो दोनों हाथों से प्रदेश की और देश की दौलत को लूट रहे हैं। आवाज़ एक अलग नकारा एक खुदा जी। सर थोड़ा माइक नीचे करना। आज आम आदमी की जबान पे एक बात है, आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी जी। सर किसान कहीं नाराजगी बढ़ नहीं जा रही है, उनके साथ सरकार जाति कर रही है, इससे लोग परेशान और दुखी। लखनऊ में विकास प्राधिकरण तरफ से लगातार अवैध संपत्तियों को लेकर बिल्डरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में निर्माण सामग्री को लेकर एलडीए ने 3 फॉर्म पर लाखों का जुर्माना लगाया था। साथ ही बिना किसी नक्शा पास के बिल्डर ने 5 मंजिला अपार्टमेंट बनाकर करोड़ों रुपए कमाए थे। वहीं अब एलडीए की तरफ से अग्रसेन हाइट्स पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। नहीं, एलडीए से नक्शा उस समय पास हुआ था और अर्बन सीलिंग लैंड का इशू है कि उस समय अर्बन सीलिंग लैंड में हमारे सीलिंग अभिलेखों में वो दर्ज नहीं थी। बाद में जब परवाना आया उसके बाद दर्ज हुआ तो यह प्रकरण प्रकाश में आया। जैसे प्रकरण प्रकाश में आया उसके बाद से ही लगभग 1 साल से सुनवाई चल रही थी, तो अभी उनको सुनते हुए निर्णय लिया गया और मैप को रिवोक किया गया है। सर एलडीए आगे की कार्रवाई क्या करेगा, जो कि 90 फ्लैट्स हैं वहाँ पर जो वहाँ रह रहे हैं लोग, सर उन्हें क्या आश्वासन दिया जाएगा? वहाँ रहने वालों के लिए हम लोग कोई न कोई बायोमीडिया निकालेंगे, विधिक परीक्षण कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ये है कि अग्रसेन हाइट्स ने एलडीए को तथ्यों को छुपाते हुए काम किया, तो उनके साथ कैसे कंपेंसेशन या अपनी ज़मीन का वो निकालना है, उसके लिए रास्ता निकाला जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। कभी सृष्टि अपार्टमेंट से लेकर कभी चित्ताखेड़ा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण पे बड़े सवाल उठते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बगैर एलडीए की अनुमति के बिल्डर ने नक्शा पास कराए बिना ही वहाँ पर 90 फ्लैट से अधिक दिए। ये बात कर रहे हैं अग्रसेन अपार्टमेंट की, जो कि सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर रास्ते है, जहाँ पर 90 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए और साथ ही कई करोड़ फ्लैट्स भी बेचे गए। 5 मंजिला इस अपार्टमेंट में लोग रह भी रहे हैं और वहीं एलडीएबीसी का साफ साफ बयान आता है कि इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया गया है, सीलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जो लखनऊ का सबसे मुख्य विभाग है एलडीए, उसमें भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या लखनऊ के जो एलडीएबीसी हैं इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा मैन विजय के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे सागर थापा। अवैध संपत्तियों के बिल्डरों पर शिकंजा कसा जा रहा है जी। जी नंदनी, आपको पूरी बात बताऊं तो एलडीए विभाग में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती नजर आ रही हैं। इससे पहले भी हम लोग ने एसएसके अपार्टमेंट को लेकर खबरें दिखाई थी और तमाम जो एसएसके अपार्टमेंट में जो 3 जो वेंडर थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगा था, 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। उसके बाद एलडीए में से लगातार हरकत में आ गया और आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये सीतापुर मोहिबुल्लापुर स्टेशन है, वहां से पूरी तालुकात रखती है और ये घटना पूरी कुल मिला के देखा जाए तो ये जो अपार्टमेंट्स बने हैं ये 2005 से लेकर 6 के बीच में बने थे और बगैर एनओसी के बना दिए गए थे। उसके बाद ये अपार्टमेंट्स की जो बिक्री होती है उसके बाद तकरीबन इसकी जो कीमत है 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होती है। जो आम आदमी है वो उसने पूरी पूंजी लगाई। उसके बाद आज हमने एलडीएबीसी से बात की और बीसी का साफ साफ कहना था कि जो भी बेघर लोग होंगे उनके लिए बाकायदा पूरी तरह से इंतजाम किया जाएगा और कहीं ना कहीं सीलिंग की जो प्रक्रिया बताई जा रही थी एलडीए द्वारा और तमाम जो मीडिया में सुर्खियां चल रही थी, तो वो अभी फिलहाल एलडीए इसमें कोई सीलिंग की प्रक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले एलडीए जो भी वहां के निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, जो वहां कई सालों से रह रहे हैं, पहले उनकी बंदोबस्त का इंतजाम करेगा। और ये आपको बता दूं कि अर्बन जो है अर्बन टेक्नोलॉजी के अधिकृत में पूरी जो सीलिंग की प्रक्रिया चालू की गई है और 2005 से लेकर अब तक बात करूंगा कुल मिला के 17 साल हो चुके हैं और अब तक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक एलडीए की आँख क्यों नहीं खुली और एलडीए पूरे मामले में क्यों नहीं जागा। और जो एलडीए वीसी है इंद्रमणि त्रिपाठी जी काफी तेज तरह
आईएएस अधिकारी हैं, क्योंकि पीटीएस भी हुआ करते थे, उसके बाद प्रमोट हुए और आईएएस में इन्होंने नगर निगम में भी कई पदभार संभाले हैं, कई बड़ा जिम्मा बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उसके बावजूद भी जो है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 17 साल के बावजूद नगर निगम, माफ करूंगा, माफी चाहूंगा, 17 साल के बाद एलडीए की आखिर नींद क्यों टूटी। इससे पहले क्या एलडीए पूरी तरह से मौन था, चुप था, क्योंकि कई सरकारें बदली, मायावती सरकारें भी आई और उसके बाद सपा की सरकार आई, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, लेकिन इतना समय क्यों लग गया, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर ने बगैर एनओसी लिए किस तरह से वहां पे इतने सारे फ्लैट्स बना दिए, 90 फ्लैट्स बनाए हैं और तकरीबन 5 मंजिला ये अपार्टमेंट है और इसमें तकरीबन काफी लोग रह रहे हैं, किसी के 2 फ्लैट्स हैं, किसी के 3 फ्लैट्स हैं। और देखने वाली बात यही आती है कि सबसे पहली बात कि अगर एलडीए ने अप्रूवल दिया था तो इतने साल बाद नींद क्यों टूटी, और अगर जो वहां पे आवंटी हैं, जो रिहायशी लोग हैं वहां पे रह रहे हैं, उन्होंने अगर जांच की थी, उन्होंने जांच के दायरे में ही पूरा मकान खरीदा था, पूरा अपार्टमेंट खरीदा था, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार का जो मुख्य विभाग है एलडीए, लगातार इसकी भ्रष्टाचार की चीजें सामने आती रही हैं, चाहे सस्ती अपार्टमेंट हो, चाहे चित्ता खेला का मामला हो। अब सबसे बड़ी बात यह कि सरकार तक ये बातें पहुंच चुकी हैं और इसमें लगातार इंद्रमणि त्रिपाठी जो है डीसी है एलडीए के, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर आपका। गाजीपुर के तहसील सेवरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अटहटा में नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि नदी में डूबे 7 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम कर लिया गया है, साथ ही जिला प्रशासन ने मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार भी कराया। वहीं सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। औरैया के सदर तहसील एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता समाधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को समय से पहुंचने और समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीएम सदर ने बताया कि अधिकतर समस्याएं राजस्व विभाग से संबंधित आई हैं। अभी तक यहाँ 12 बज रहे हैं, 10 बजे से प्रारंभ हुआ है, तो अभी तक 63 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें से 8 का यहाँ पे निस्तारण कराया गया है। शेष संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को, विभागपालों को मार्क किए गए हैं, उसके निस्तारण के लिए समय दिया गया है। सर, संबंधित जो मामले आज आ रहे हैं, किस मामले से संबंधित आ रहे हैं और क्या उनका निस्तारण किया जा रहा है? अभी ज़्यादातर प्रकरण तो राजस्व और पुलिस से संबंधित ही आते हैं, कुछ विकास विभाग से संबंधित हैं और कुछ डूडा के से संबंधित है, जिसमें आवास की मांग की गई है। तो इस तरह के प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी लोगों को भेजा जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ दिन पहले ही निजी अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के स्टाफ को सख्त निर्देश दिए, साथ ही कहा मरीजों का सही से इलाज किया जाए। इसके बाद भी अस्पतालों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी जा रही है, जिन्हें खरीदना मरीजों के लिए काफी मुश्किल है। साथ ही डॉक्टर दवाइयों को बाहर से खरीदने के लिए कहते हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जनक है, हर 15 डॉक्टर को बताया जा रहा है कि दवा बाहर से ना लिखे, मरीज से अच्छे बिहेव करें। बहुत ही अगर अमरजेंसी होती है तो जेनरिक दवा ले सकते हैं आयुष्मान स्टोर से। मेरे संज्ञान में ऐसे आ गया, तुरंत कार्रवाई की जाएगी और बहुत ज्यादा कुछ लिख दिया जाएगा। एमएमजी हॉस्पिटल में आई थी, मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। स्किन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो दवाइयों की बात करें, दवाई प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे? दवाई तो प्रॉपर है, लेकिन कुछ कुछ दवाइयाँ ये कह रहे कि हमारे पास है नहीं, तो उन्होंने कुछ दवाई मेरे को बाहर से लिखी है, जैसे कि ये वाली है। ये इन्होंने कहा है कि आप बाहर केमिस्ट से ले लेना और कुछ दवाइयाँ हमारे पास है वो आप यहीं से ले लेना। आपने तो नहीं कहा था कि बाहर? नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम क्यों बोलेंगे, हम सरकारी में आए हैं तो हम क्यों बोलेंगे कि हमें बाहर से लिखो। अब कल बाहर के लिखी है, बाहर के लिखी है। पहली बार खुजली के लिए आ रही मैं। डॉक्टर से आपने कहा नहीं कि बाहर की क्यों लिखी है? हमने तो उन्होंने दिया, हम ले आए। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम आशा सोनी। कहाँ इलाज कराने आए हैं? एमएमजी में। क्या बीमारी थी? मेरी आँख में परेशानी है। तो दवाइयाँ सही मिल रही है यहाँ? दवाई सही, वो बाहर से लिख के दिया है कि यहाँ पे दवाई नहीं है। किस डॉक्टर को दिखाया था? मैंने दिखाया था इसमें इसे को। कितने नंबर में ये दिखाया है मैंने? 20 में। 20 में? हाँ जी। तो आपने कहा कि मैं सरकारी अस्पताल में दवाई, आप अपने पास से तो ये नहीं कहा? हाँ जी। क्या कहा था? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें कहा कि बाहर की दवाई ले लो, यहाँ दवाई नहीं है, मैं बाहर से लिख रहा हूँ। क्या नाम है अपना? जी आज़ाद नाम है। आप कहाँ इलाज कराने आए?
एमएमजी दवाइयाँ कैसी मिलती हैं यहाँ पर? दवाई कुछ दवाई है कुछ नहीं है, वो नहीं है उसके लिए क्या था? बाहर जाके ले लो पर्ची, देखो ठीक है तो कार के लिए। ये रही वो दवाई की पर्ची दिखाइए आप हमें जरा। गोरखपुर जिले के कौड़ी राम गोला मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला, जहां प्रशासन ने चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं आरोप है कि लोक निर्माण भवन व रोडवेज द्वारा 557 अवैध कब्जेदारों को नोटिस दी गई थी, लेकिन केवल चार दुकानों पर कार्यवाही की गई, बाकी के दुकानदारों को छोड़ दिया गया। नहीं बताया गया कि हम रोडवेज में है कि पीडब्ल्यूडी में है। अच्छा, रोडवेज हमारी दुकान के पीछे बाउंड्री है, न नफ्ती कराया गया न कुछ कराया गया, सिर्फ जीसीबी लगा कर तोड़ दिया गया। कब से आप लोग वहाँ रहे थे? अरे 50-60 वर्षों से हमारे आजा पर पाजा, हम जूता में पालिश लगाते हैं सर। हाँ। 5 बच्चे हैं किधर, अपना जीवन यापन करते हैं, और पहले ही जीसीबी हमारे ही दुकान पर लगाई है। अच्छा, मैं डीएम साहब से कहते रह गया कि मैं 2 दिन का मोहलत दे दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। वहीं हमारे बगल में दुकान छोड़ दी गई, इधर छोड़ दी गई, क्यों हम ही 4-5 लोगों की दुकान तोड़ी गई? तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले, फिर उसी जगह हमको बताया जाए। अगर हम रोडवेज में हैं तो हम अपने आप फट जाएंगे, अगर पीडब्ल्यूडी में हैं तो पीडब्ल्यूडी में सर 557 दुकान है सर। खबर सोनभद्र से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि डीजल चोरी तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, साथ ही गैंग के सरगना समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। भद्र में एसटीएफ की टीम ने रेड किया था, बनारस एसटीएफ की टीम ने, और उसमें उन्होंने अनियमितता पाई, जो डीजल और पेट्रोल सप्लाई का जो चंदौली से ठेका जिसे मिला हुआ है, पूरा जो हमारे यहाँ पर जितनी भी कोल माइंस हैं उनमें डीजल सप्लाई का, फ्यूल सप्लाई का, टोटल फ्यूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जिस आदमी को टेंडर मिला हुआ है, उसने बीच में जो पेट्रोल पंप पड़ते हैं कुछ, उन पे जो टैंकर्स आते हैं उससे चोरी करा के तेल को बेचा है। इस तरीके के गैंग में कल 6 लोगों को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था, उसी के बाकी बचे हुए सदस्य 4 लोगों को, जो मेन इसका सरगना है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांदा में आज प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल का 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस पर परिजन इनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते इस जोड़ी ने ये कदम उठाए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही दोनों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जाँच में जुट गई है। जानकारी मिली कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे ग्राम नगनीधि लगता है, उसके रेलवे ट्रैक पे एक युवक और एक युवती की डेड बॉडी है। तत्काल इस सूचना पे सभी अधिकारीगण, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड, हम सभी लोग यहाँ पर आए गए। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि ये व्यक्ति और ये जो महिला है, इन लोगों के बीच में पिछले 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसी क्रम में इन लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या की है आके। इस बॉडीज़ को हम लोगों ने मॉर्चरी भिजवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए, और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई जिले के बेलहा गांव में प्रेमी को प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा, तभी ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने युवक की जमकर पिटाई की। इस दौरान किसी ने युवक का पिटाई का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना कोतवाली देहात का मामला है। एक व्यक्ति है बीरू तिवारी, जो निवासी बिलहा थाना कोतवाली देहात के, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि वह ढीठा महासिंह गांव में गए थे, वहां पर 2 व्यक्ति रोहित और सुधीर ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जाँच चल रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। खबर गोरखपुर के बरगदही गांव के पास एसपी ने मेडिकल चौकी पर थानेदारों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पशु तस्करों ने एसपी पर पथराव कर घायल कर दिया था। इसके साथ ही एसपी की गाड़ी को भी हानि पहुंचाई थी, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन तस्कर भागने में सफल हुए। वहीं पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं, जो कि पशुओं को उठाने की फिराक में है।
इस सूचना पे थाना शाहपुर सीओ कैंट और अन्य अधिकारी और थाना प्रभारी उनकी घेराबंदी में लग गए और चोरी चौरा सर्किल से भी दो तीन थाना प्रभारी नाकेबंदी में लग गए। फिलहाल के उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।